हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विभास झा। आज मैं आपको बताऊंगा फोटोशॉप में कोई भी डार्क सर्कल है, स्पॉट है, तो उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं और एक ख़राब फ़ोटो को अच्छा बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, ये मेरा एडिट किया हुआ फ़ोटो है और ये नॉर्मल फ़ोटो है, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है आपके सामने है। तो चलिए हम लोग इसको सीखना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ से फोटो को कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद प्रेस करेंगे कंट्रोल आई बटन, उसके बाद नॉर्मल यहाँ से सेलेक्ट रहता है तो यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना होगा विविड लाइट। उसके बाद हम लोग यहाँ से फिल्टर में चले जाएंगे, फिल्टर में अदर से जाके हाई पास सेलेक्ट करेंगे। हाई पास में आप जितना भी अपने हिसाब से रेडियस डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 24 लिया अपने हिसाब से, आप अपने फ़ोटो के हिसाब से कोई भी रेडियस ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अगेन हम लोग फिल्टर में जाएंगे, उसके बाद यहाँ से ब्लर में जाएंगे और गेशियन ब्लर में जाके क्लिक कर देंगे। ब्लर में आप रेडियस अपने हिसाब से रेडियस को सेलेक्ट कर लेंगे। आप इसे घटा बढ़ा सकते हैं जितना भी आपको करना है। उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से अल्ट के साथ मास्क पे क्लिक करेंगे और अगेन हम लोग यहाँ से ब्रश टूल लेंगे। ब्रश टूल लेने के बाद आपको बस ध्यान रखना है कि फोरग्राउंड कलर वाइट और ब्लैक होना चाहिए बैकग्राउंड कलर आपका। उसके बाद ओपेसिटी और फ्लो को अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग फोटो पे ब्रश को ड्रैग करते हैं और देखते हैं क्या होता है। आप ओपेसिटी को अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फास्ट प्रोसेस करने के लिए ओपेसिटी को 100% पे रखा है। आप देख सकते हैं कि धीरे 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 इसके फेस पे जितना भी डार्क सर्कल है, धब्बा है, वो सारा कुछ ख़त्म हो रहा है। और हमारा फोटो एक अच्छे वे में एडिट हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करिए। अगर फोटोशॉप में आपको कुछ और भी सीखना है तो आप कमेंट में डालिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।